और यहाँ मौजूद है जो कि उत्तर नागपुर के भाजपा के अध्यक्ष हैं। जी आप ये बताइए कि ननकाना में गुरु साहब जो है उनके गुरुद्वारा से पथराव किया गया और बहुत ही निंदनीय ऐसी घटना सिख बहादुर साहब ने जिसके बारे में आपने कल ज्ञापन दिया है, क्या पूरी घटना थी उसके बारे में जानकारी दीजिए। ननकाना साहब जो अपने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जब अपना देश विभाजन हुआ और देश के विभाजन के बाद में जिस समय जो अपने सिख समाज के जो बांधव थे वो यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में जो नानक देव जी का जो जन्मदिन हुआ ननकाना साहब के ऊपर में वहाँ पर उसका गुरुद्वारा बनाया गया जो उनका आस्था का एक स्थान है, जिसमें हर वर्ष उनका मेला भरता है, दर्शन के लिए जाते हैं, बीच में करतार साहब के दर्शन के लिए भी करतारपुर से जो दर्शन के लिए गए थे सिख समाज के सारे बांधव, जब उनका वहाँ पे आस्था जुड़ी है और वहाँ पे उनका जब इतना बड़ा दरबार है उसके ऊपर में जो निंदनीय हरकत जो पाकिस्तान कर रहा है, आज पाकिस्तान जिस तरीके से जो हरकतें कर रहा है मुझे ऐसा लगता है, बोलते नहीं है क्या, जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तो वैसे उसकी मौत आई है तो जो इधर इंडिया से खुजा रहे हों 24 घंटे नहीं लगेंगे उसको मिटाने के लिए, उसने सोच लेना चाहिए, अपने आप की सोच लेना चाहिए कि आज उसके यहाँ उसके क्षेत्र के अंदर में उनके यहाँ के लोग इतने मजबूर हैं जिनको खाने को नहीं है, उनकी हालत गंभीर है, फिर भी वो मरता क्या नहीं करता ऐसी किस्सा चल रही है, वो बार बार इंडिया के लोगों को वहाँ पे रहने वाले रहवासियों को परेशान कर रहा है। और ननकाना देव के ऊपर में जो उसने हमला किया है, ये हमला इसके बाद में ना हो, नहीं तो सिख समाज पूरी तैयारी में है, जब वो उनकी जब तलवारें खींचे जाएंगी तो मुसलमान जो वहाँ का पाकिस्तानी मुसलमान है वो एक भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक सरदार भी 1.25 लाख के बराबर होता है और कहीं सरदार ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि अभी एक बार तो कहीं ना कहीं ये रास्ता खुला हो जाए तो पाकिस्तान को भी हम मजा चखाएं। क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ऐसी ऊंची हरकत जो कर रहा है इसके वजह से फिर से एक बार एयर स्ट्राइक जैसी कोई भारी घटना बीजेपी सरकार के द्वारा होने वाली है, ऐसा आप कह सकते हैं? ऐसा तो अपन फिलहाल आज नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं अपने नरेंद्र जी मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, इस देश को जिन्होंने सींचा है और इस देश को विकसित किया है, तो ये ऐसी ऊंची हरकत तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो उनकी तैयारी। ननकापुर में जो बर्बरतापूर्व जो कृत्य हुआ है इसकी भर्त्सना पूरे भारतीय कर रहे हैं और सिख समाज में खासी नाराजगी देखी गई। हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि जो अभी करतारपुर में जो उनका देवस्थान जो है, हाँ, अपने सिख लोगों का, हाँ, तो वो ट्रीटी वैसी की वैसी रहेंगी संधि? नहीं, अभी वो जो ननकाना देव जो है उनका उसकी सुरक्षा करना ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है। जिस तरीके से उन्होंने जो हरकत करी, यानी ये तो ऐसा हो गया कि किसी को झापड़ मार देना और सॉरी बोल देना, उन्होंने पाकिस्तान ने उनके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, और वो जिस तरीके से वो हरकत हुई है इसके बाद वो हरकत ना हो इसलिए उन पर कड़क कार्रवाई हो, इसलिए पाकिस्तान ने इसको सोच लेना चाहिए। यदि अब अगर वो बाज नहीं आए तो उसका जवाब सिख समुदाय के साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो गृहमंत्री अपने अमित शाह जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, सारा देश सिख समाज के साथ में खड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत से उनके साथ में खड़े रहेंगी, और पाकिस्तान को ईंट का जवाब हम पत्थर से देना भी जानते हैं, सिख समाज भी जानता है, उनको उनकी जगह बताने का काम इस देश के हमारे जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी, हमारे नितिन गडकरी जी भी जो राष्ट्रीय नेता है, इन्होंने भी उस बारे में निषेध उनका निषेध दर्शाया है। एक सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के सर्वोसर्व है उनको गदर पिक्चर दिखाने चाहिए एक बार, क्योंकि वो ज्योति बांधव से जो यानी कि नोकझोंक कर रहे हैं उनको गदर पिक्चर दिखानी चाहिए, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, उनकी हरकतों से ऐसा लगता है इमरान खान को कि गदर पिक्चर देखने की शायद उसकी इच्छा शायद उसके मन में होगी, तो ये भारत उसके लिए भी तैयार है, हर तरीके से उनको जवाब देने के लिए तैयार है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से वर्ल्ड वार हो और किसी प्रकार से उनकी भी लोगों की जान की हानि हो, क्योंकि भारत देश एक सहनशीलता वाला देश है और इस देश के अंदर में सबको सुख शांति के साथ में और सबके भाईचारे के साथ में सबका साथ सबका विकास करके हमारा देश चल रहा है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसी तरीके से चल रहे हैं। सिख समाज में जो भावना आहत हुई है
इस फलस्वरूप आप लोगों ने कल ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, तो आपका जो ज्ञापन है उसकी दखल लेंगे केंद्र सरकार, आपको ऐसा लगता है कि इस बारे में? 101% दखल लेंगे, क्योंकि मोदी जी और हमारे जो गृह मंत्री है, जब से इस देश का शासन इस देश की जनता ने उनके हाथ में दिया, तो शासन देने के बाद में सरकार जो चला रहे हैं वो सबका ख्याल रखते हुए चला रहे हैं, और जो ऐसी ऊंची हरकत कर रहे हैं उनको जवाब देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी कर रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी ऊंची हरकत करने के बाद में क्यों नहीं ये कांग्रेस की और शिवसेना के राष्ट्रवादी वाले लोगों ने कि पाकिस्तान का कम से कम निषेध करना था। हम ये नहीं बोल रहे कि आप मुस्लिम समाज का निषेध करिए, लेकिन कम से कम पाकिस्तान का उन्होंने निषेध करने को होना था कि भाई पाकिस्तान ने जो ऊंची हरकतें की है तो इसका हमारा निषेध है। कुछ नहीं उन्होंने अभी तक के कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं दर्शाया। जी, आप चैनल के माध्यम से जो सिख बांधव है अपने देश में, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अभी ये के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है ये? नमस्कार, मैं दिलीप गौर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। ये जो NRC और NPR जो आ रहा है, ये जो बिल अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री के बाद में उन्होंने जो लाया है, वो लाने के बाद में इस देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बिल लाया गया है। और जिस तरीके से ये जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को कांग्रेस के ही नेता उनमें अपने लोगों को भेज करके उनको भड़काने का काम और इस देश की शांति भंग करने का काम जो कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। ये देश बहुत शांत देश है और बहुत अच्छा अपना भारत देश है, यहाँ की शांतता भंग करने का काम ये विरोधी पक्ष के लोग कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं करना चाहिए। मुस्लिम समाज को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कल जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला तो उनको उठा के पाकिस्तान भेज देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से पाकिस्तान में जो आज वो हिंदू समुदाय जो रहता है, अल्पसंख्यक जो रहता है, सिंधी समाज के लोग जो रहते हैं, उनके साथ में कितनी अत्याचार होता है, वो बेचारे वहाँ सहकर भी रह जाते हैं। आज सिंधी समाज के अपने कई लोग यहाँ अभी नागपुर में आए हैं, जो यहाँ का उनका रहवासी तत्व लिया, पिछले बार राजनाथ सिंह के माध्यम से हमारे गृह मंत्री थे, उनके माध्यम से भी कई लोग का नागपुर शहर में भी रहवासी तत्व हुआ है उनका, जो सिंधी समाज के लोग हैं। कुछ लोगों से जब मेरी बातचीत होती है तो उन्होंने ये कहा है कि हमको वहाँ पर यानी हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, किसी भी वक्त ये जो आतंकवादी के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज का वहाँ जो आतंकवाद है, वो आतंकवादी के ऊपर में सरकार का अंकुश नहीं है, किसी भी समय पे उनकी माता बहनों को, उनकी बहू बेटियों को ये उठा के लेके जाते हैं, और ये जब थाने में रिपोर्ट डालने जाते हैं तो उनको कहा जाता है, पुलिस वाले कहते हैं पाकिस्तान के थानेदार कि तू चले जा, तेरी जिंदगी तेरे को अगर प्यारे हैं, तेरी जिंदगी अगर तेरे को प्यारी है तो तू घर चले जा, तेरी बेटी हो या बहू हो या कोई भी हो, वो रात को वापस आ जाएंगे, चिंता मत कर। तो एक थोड़ा सा तीखा सवाल, द्वार साहब, बीजेपी सरकार अब सिमटती जा रही है, जहाँ से देख रहे हैं हम कई जगह से चुनाव हार चुकी है, कहीं ना कहीं मुद्दे ये भी आए NCR के, और भी सारी चीजें हैं, तो नहीं लगता आपको ऐसे दौर में बीजेपी सरकार को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा इन पर जोर डालना?